चैनल फ्रेंड्स, आज हम मल्टी प्रोफाइल रिक्रूटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि टोटल 19 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी रिलीज की गई है। 19 डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी है, जिसमें कि मैंने कुछ हाईलाइट किया यहाँ पे, अकाउंटेंट, नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, इंस्पेक्टर, सैनिटरी असिस्टेंट, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बहुत सारे 19 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी। ये परमानेंट जॉब है और किसी भी अदर स्टेट का कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है, राइट? ये वैकेंसी रिलीज की गई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के द्वारा, राइट? जिसमें कि 12th डिप्लोमा कोई भी ग्रेजुएट होल्डर, चाहे बीकॉम हो या फिर बीएससी, एमबीबीएस, आयुष, पीएमएस और भी बहुत सारे स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन का डिस्कशन। एंड डिस्कस करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा फ्रेंड्स आपको कि एक करंट अफेयर्स का लाइव सेशन होता है, अभी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के रेगुलर एवरीडे अपडेट आता है, तो आप जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प होगा एग्जामिनेशन में, राइट, करंट अफेयर सेक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन को। सो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हिसार के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पहला प्रोफाइल है जिसमें एक ही वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर का, जिसमें कि आपको 16,090 प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS, डेंटल, आयुष, नर्सिंग, लाइफ साइंस ग्रेजुएट विथ मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर क्वालिटी, फॉर्मल क्वालिटी ऑफ यू नो क्वालिटी सिस्टम, तो इन सब में, और फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर लिटरेसी, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लिटरेचर एंड पॉलिसीज एसेंशियल। लाइक इसमें जो है आपका पहले तो MBBS हो या डेंटल, आयुर्वेदा, आयुष, नर्सिंग, इन सब में से किसी एक में अगर आप ग्रेजुएट हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रोफाइल है आपका डिस्ट्रिक्ट एप्टीमियोलॉजिस्ट, राइट, 1 वैकेंसी है और 20,280 प्लस अदर अलाउंसेस, मास्टर मेडिकल ग्रेजुएट MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल मेडिकल, पब्लिक हेल्थ और एप्टीमियोलॉजी, राइट। इसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी मांगा है एंड इसमें दिया है मेडिकल ग्रेजुएट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एपिडीमियोलॉजी, राइट, पब्लिक हेल्थ, MSc, एंटोमोलॉजी, राइट, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है MSc के बाद। अगर MSc नहीं है, MBBS प्लस पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं, डिग्री या डिप्लोमा, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि 1 वैकेंसी है और 18,460 प्लस अदर अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। 1 ईयर MBBS प्लस BDS इसमें मांगा है या फिर यहाँ पे, एंड दूसरा है डिप्लोमा होना चाहिए या मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, 1 ईयर का इसमें, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, राइट। नेक्स्ट है AMO मेल के लिए, जिसमें कि टोटल 3 वैकेंसी है और इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन AMO मांगा है, राइट, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर आपका डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है विथ जो है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा और यूनानी सिस्टम से होना चाहिए इन हरियाणा, राइट। हिंदी संस्कृत आपको आना चाहिए, हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई आपने एक सब्जेक्ट पढ़ाई की हो। उसके बाद फीमेल के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अकाउंटेंट, बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, राइट, टेली का नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट के लिए सेम बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, अकाउंटेंट अगेन बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 वैकेंसी है और इसमें जो है 1 ईयर का हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होता है, वो आपका क्या हुआ होना चाहिए। लेबोरेटरी में जो है लैब टेक्नीशियन की 20 वैकेंसी है और इसमें जो है BSc इन लैब टेक्नोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है 11th नंबर मल्टी, यहाँ पे है मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर, 4 वैकेंसी है इसमें और 12th पास कैंडिडेट प्लस 1 ईयर का, 1.5 ईयर का, 1.5 साल का जो है सर्टिफिकेशन कोर्स होता है मल्टी जो है रिहैबिलिटेशन वर्कर का, 1.5 साल का, तो वो क्या हुआ होना चाहिए एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद स्टाफ
जो है नर्स के लिए 30 वैकेंसी है, और इसमें जो है बीएससी जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम की वैकेंसी 40 है, और इसमें जो है आपका टोटल एएनएम कैंडिडेट और रजिस्टर हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरीट असिस्टेंट 1 वैकेंसी है, और इसमें जो है ग्रेजुएट इन डिप्लोमा सेक्रेटरी असिस्टेंट, ग्रेजुएट के बाद जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए सेक्रेटरी असिस्टेंट में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एसटीएलएस, राइट, इसमें जो है आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, राइट, असिस्टेंट लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे, जिसमें एक ही वैकेंसी है। टीबीएचवी, राइट, इसमें जो है 1 वैकेंसी है, और ग्रेजुएट कैंडिडेट और या +2 कैंडिडेट, +2 के साथ जो है आपका यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा। अगर +2 है तो ग्रेजुएट है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एंट्री इन इंटरवेंशनिस्ट कम स्पेशल इंडक्टर, राइट, इसमें जो है आपका एमएससी डिसिप्लिन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑप्टो ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसमें जो है आपका एक वैकेंसी है, और डिग्री और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। फार्मेसिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, और 12th के बाद जो है आपका डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड प्रोफाइल है। ₹1,000 एप्लीकेशन फी है जो रिजर्वेशन में आते हैं, ₹750 एप्लीकेशन फी है, और 11 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आपको अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, हरियाणा health.hisar.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। इसमें एक से ज्यादा प्रोफाइल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है ना, सभी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया, 18 मिनिमम होना चाहिए, नो पेंशन, नो लाइक यू नो अलाउ प्राइवेट प्रैक्टिसेस, प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो अप्लाई कीजिए एंड देन फिर लेटर ऑन आपको जो है रिक्रूटमेंट का अपडेट मिलेगा। तो अभी 11 मार्च काफी कम टाइम है, सो अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।